5 बजे के टाइम थोड़ी ठंड होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये गर्मी हो जाती है, और जो पराली जल रही है धान की वो तो ये दिल्ली में धीरे धीरे एंटर कर रहा है, जिसमें हमें सांस लेने में और बच्चों को भी मतलब जो गर्मी का फीलिंग आती है उससे बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल जाएगी पराली जल रही है, जिससे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो रहा है, और साइकिल चलाने में और सांस लेने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। पहले हम लोग एक मुसीबत से जूझ रहे हैं, कोरोना नाम की बीमारी, सांस की बीमारी लोगों को बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। अगर लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, साइकिलिंग नहीं करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, इसलिए सब लोगों को दिल्ली में जो भी रह रहे हैं उनको पर डे एक्सरसाइज और साइकिलिंग और योगा करना ही पड़ेगा, तभी जाके इस COVID-19 से आपको राहत मिलेगी। अदरवाइज आप बीमार हो जाओगे और आपका इलाज तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में इस चीज़ का, बीमारी का। मैं और ये हमारी टीम जो है डेली मालवीय नगर से यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए आते हैं, और पहले हम 5 o'clock चलते हैं, 7:30 वापस जाते हैं हम लोग, बट अभी कुछ दिनों से हमें फील हो रहा है मास्क लगाने के बावजूद हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब पोल्यूशन वाकई ज़्यादा हो रहा है, और कल के टेम्परेचर में भी काफ़ी फ़र्क था, कल हीट ज़्यादा थी, तो अभी मुझे लगता है इसको इस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो साइकिलिंग ग्रुप जो है कम होते जाएंगे, लोगों को इस टाइम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कोरोना वायरस पॉल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी ख़राब करने वाली हैं, तो स्टिल दिल्ली वालों को चाहिए कि कुछ ना कुछ एक्शन लें इसके ऊपर, अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरा कुछ सरकार को करना चाहिए कि टावर लगाएं, हॉटस्पॉट लगाएं, जिससे पॉल्यूशन फ्री हमें हवा मिल सके, पानी का छिड़काव वगैरह कर सकते हैं। और हमेशा देखने में आता है कि सरकार एक दूसरे ब्लेम लगाती है कि वहाँ से पॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है, पराली जल रही है, ये हो रहा है वो रहा है, बट कोई भी सोल्यूशन पक्का नहीं निकल नहीं पा रहा है, तो उसका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।